दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है टेस्टिंग बोर्ड। अगर हमारे पास कोई मीटर नहीं है या टेस्ट करने का कोई नहीं है, टेस्टर नहीं है ना, बल्ब का नहीं है, तो हम लोग टेस्टिंग बोर्ड से कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सामान को? तो ये टेस्टिंग बोर्ड का ये इसमें सर्किट बना हुआ है। तो ये टेस्टिंग बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ पे एक में बल्ब लगा है, एक में ये टू पिन वाला है, टू पिन ये लगा है, और इसमें जैसे इसको ऑन करते हैं और इसको टच करेंगे तो बल्ब जलने लगता है ऐसे करके। तो इससे हम लोग कोई भी जैसे ट्यूब रॉड जो है फ्यूज हो गया है कि क्या है, नहीं जल रहा है, तो इसको इससे टच करके हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसा जल रहा है तो माने हमारा ट्यूब रॉड सही है इस साइड का। अब दूसरे साइड का भी इसको करते हैं, दूसरे साइड को से भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरे साइड का देखिए, ये दोनों पिन में ये चेक करेंगे, टच करेंगे तो ये जलेगा, माने हमारा ट्यूब रॉड सही है। और ये हमारा ये हाफ वाट का बल्ब है, इसको जीरो वाट का ही बोलते हैं, 0.5 वाट का। तो ये अगर नहीं जल रहा है तो बल्ब को कैसे चेक करेंगे, इसमें इसका दोनों टिप्स में चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये बल्ब जलने लग रहा है। तो इसलिए ये हमको ज़्यादा कीमती मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके थ्रू हम लोग पूरा चेक कर सकते हैं हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल का मोटर है, पंखा है, वाइंडिंग है। ये दो पिन के जो लगा है इसका तार से टच करके हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। इसको आप घर में टेस्टिंग बोर्ड बना सकते हैं, ये सर्किट इसमें दिया हुआ है, इसको ज़रूर नोट करिए। और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।